दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आप VI में पोर्ट कराते हैं तो आपको एक महीने का बिल्कुल फ्री जो है मिल जाएगा, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगी पूरी जानकारी बताऊंगा और कितना पैसा आपका लगेगा ये भी मैं बताऊंगा। इसके पहले मैं आपको दिखा दूं, ये रहा मेरे पास VI का सिम कार्ड। इसमें एक कमी मुझे देखने को मिली है कि आप जब भी एयरटेल सिम कार्ड उठाएंगे या जियो सिम कार्ड उठाएंगे तो उसमें 4G जरूर लिखा रहता है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं VI प्रीपेड लिखा है। और इसका जो मैं ओपन कर देखता हूँ तो यहाँ पे जो कैसा सिम कार्ड निकलता है वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। देख सकते हैं यहाँ पे रहा VI का सिम कार्ड, इसमें कहीं भी 4G देखने को नहीं मिल रहा है, यानी 4G नहीं लिखा है, यहाँ पे VI प्रीपेड लिखा है और केवल VI इस पे लिखा गया है। दोस्तों VI का नेटवर्क बहुत ही बेटर है सुनने को आता है, तो VI का यदि आप पोर्ट कराते हैं तो आपको जो है बिल्कुल फ्री में VI में पोर्ट कराकर आ सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, VI में पोर्ट कराने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, जो भी आपका नंबर रहेगा उसे कैपिटल में PORT स्पेस मोबाइल नंबर लिखकर सेंड करेंगे, उधर से UPC कोड निकलेगा। उस UPC कोड के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि VI का जहां भी आपको कैंप देखने को मिले उस कैंप वाले के पास आपको जाना है। जाने के बाद मैं आपको बता दूं इस वक्त 2022 में VI का क्या ऑफर चल रहा है, इस वक्त 299 का ऑफर चल रहा है। 299 में यदि पोर्ट कर देगा वो आपको तो 299 में आपको 1.5 GB डेली डाटा मिलेगा और साथ में 28 दिन के लिए बिल्कुल फ्री कॉल मिलेगा और आपको 100 SMS डेली मिलेगा। इसके साथ साथ आपको वीकेंड डाटा रोल ओवर मिलेगा और नाइट वाला भी ऑफर आपको मिल जाएगा, जो नाइट में आपका जो है अनलिमिटेड डाटा चलता है। तो इसके लिए लेने के लिए आपको सिंपली उसके पास जाना है और आपका सिम कार्ड वो आसानी से पोर्ट कर देगा। पोर्ट करने के बाद आपसे बात करूं पैसे की तो कितना पैसा आपको लेगा, तो इस वक्त वो कैंप वाले जो है फ्री तक पोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो कुछ लोग 50 से 80 रुपये तक आसानी से आपका पोर्ट कर देंगे। यदि दुकान वाले के पास भी आप जाते हैं तो वो भी आपका 50 से 80 रुपये तक में पोर्ट कर देगा आसानी से और इतना आपको लाभ दे देगा। आपको दो बातों को ध्यान रखना है कि जहाँ भी आप पोर्ट करवाइएगा उसका मोबाइल नंबर आप ले लीजिएगा, क्योंकि जब वो आपका पोर्ट करेगा तो हो सकता है पेड MNP ना करे तो आप में बैलेंस नहीं जाएगा। 3 दिन का प्रोसेस होता है, यदि आपके मतलब आपके राज्य का यदि सिम कार्ड है तो 3 दिन के अंदर आपका पोर्ट हो जाएगा, वरना यदि आपके राज्य का नहीं है तो 6 से 7 दिन तक आपको लग सकता है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद सिंपली उसका नंबर ले सकते हैं, उसे संपर्क कर सकते हैं, उसके माध्यम से ही आप वेरीफाई भी करवा सकते हैं। यदि उसमें रिचार्ज नहीं मिलता है वो आपको रिचार्ज भी कर देगा। VI का नेटवर्क वैसे बहुत ही बेटर नेटवर्क है, इसका डाटा भी अच्छे तरीके से चलता है और VI बहुत ही सस्ते में आपका सिम कार्ड भी प्रोवाइड करता है और अच्छा अच्छा ऑफर भी आपको लाकर देता रहता है। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि रेगुलर वीडियो इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय फ्रेंड्स।